बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आवर टुडेज प्रैक्टिकल टाइटल इज मिल्क एनालिसिस, यानी दूध दूध की जांच। दूध दूध का जो एनालिसिस है, ये तजिया है, उसके बारे में ये सारा आज का जो प्रैक्टिकल है वो होगा। दूध के जांच के हवाले से या उसके तजिए के हवाले से या एनालिसिस के हवाले से इसमें कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहले नंबर पे तो बात ये है कि जो मेन जो चीज़ें हैं, जो जनरल किस्म की अमूमी तौर पे जिनका पता होना चाहिए हम सबको, क्या ताकि दूध के अंदर जो मिलावट है उससे हम बच सकें। अव्वल तो एक और जो कैंपेन है उसका ये भी मकसद है जो चल रही है आजकल, कि आजकल दूध जो है वो खुला दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि टेट्रा पैक वाला दूध इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर के पास्चराइज्ड मिल्क जो है यानी प्रोसेस करके उसको पैक किया जाता है, और उसके अंदर जरासीम की तादाद बाकी जरासीम जो है वो ना होने के बराबर या कम, बहुत कम होते हैं। जबकि खुला दूध अगर उसको फौरन बॉयल ना किया जाए तो उसके अंदर जो जरासीम है उसकी तादाद बढ़ती रहती है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई होगी कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से नुकात हैं जिनके बारे में दूध का यानी का ख्याल रखना चाहिए। दूध की जांच के हवाले से दो मेन चीज़ें हैं, एक तो ये है कि फिजिकल पैरामीटर्स हैं और दूसरा जो है वो केमिकल एनालिसिस है या बायोकेमिकल एनालिसिस है दूध का। फिजिकल एनालिसिस से मुराद ये है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो स्टडी करने के हवाले से दूध की, वो ये चीज़ है कि हमने दूध का रंग देखना है, उसका गाढ़ापन देखना है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं और उसके ऊपर जो तैरती हुई जो फैट है उसको हमने ऑब्जर्व करना है। तो फिजिकल पैरामीटर्स में उसकी गाढ़ापन आ जाता है दूध का, फिर उसका रंग आ जाता है, और उसके अंदर मौजूद जो स्पेशली जो फैट्स हैं उसकी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ये तीन चीज़ें मैंने मतलब जनरलाइज्ड करके आपके सामने आपको बताई हैं। अब जहाँ तक दूध के रंग का ताल्लुक है तो ये बात अमूमी तौर पे, खास तौर पे वो लोग जिन लोगों का ताल्लुक गांव से है और जिन लोगों के यहाँ जानवर जो पालते हैं उनको पता है कि जो दूध का रंग है वो गाय का जो दूध है वो थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का होता है, और जो भैंस का दूध होता है वो प्योर वाइट कलर का होता है, प्योर वाइट कलर। तो सबसे पहला जो डिफरेंस उसकी फिजिकल अपीयरेंस है यहाँ से होगा वो ये होगा। अब दूध के गाढ़ेपन की बात अगर करें तो एक बात तो बड़ी क्लियर कट है कि जो भैंस का दूध है वो गाय के दूध के मुकाबले में ज्यादा गाढ़ा होगा। तो अगर आपको गाय का दूध मिल जाए या नजर आ जाए और उसका हल्का सा ऑफ वाइट कलर हो और आपको लगे कि ये पतला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट और बाय नेचर नेचुरली उसके अंदर परसेंटेज या उसका जो सॉलिड जो टोटल सॉलिड कंटेंट है वो बफलो के मुकाबले में बहुत कम होता है। बहुत तो नहीं, मतलब 2-3% का, 4% का डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक एक कंटेंट ले लूंगा, जैसे कि फैट परसेंट है। फैट परसेंटेज जो है ये गाय के दूध में 2.5 से 3.57% तक होता है, जबकि अगर बफलो का मिल्क का फैट परसेंटेज का पैरामीटर हम देख लें तो वो स्टार्ट ही 3.5 से हो रहा है और 7.33% तक भी रिपोर्टेड उसकी परसेंटेज पाई जाती है। तो गाढ़ापन तो एक ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अच्छा, ये फिजिकल पैरामीटर की बात हो रही है। अब जो तीसरा पैरामीटर मैं बताने जा रहा हूँ कि उसके अंदर जो फैट की ऑब्जर्वेशन है, हम उसकी परसेंटेज तो नहीं डिटरमिन कर सकते ना अपनी आंखों से देखकर, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दूध आर्टिफिशियली बनाया गया है या फिर नेचुरल दूध है। क्योंकि आजकल आपको पता है पाउडर लेके, मिल्क पाउडर लेके और उसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करके और उसको दूध में कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये आजकल दूध की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से ये काम किए जा रहे हैं। उसमें जो मैं आपको बता दूं, उसमें मेन चीज ये होती है कि अगर दूध नेचुरल है यानी सिंथेटिक नहीं है,
मिल्क पाउडर डाल के उसको नहीं बनाया गया, तो उसके अंदर जो फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो छोटे 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 आपको नजर आएंगे, गोल गोल से अलग अलग नजर आएंगे। और उसमें सबसे बढ़िया एक और जो ये चीज है, और अगर हम यही सिंथेटिक दूध की बात कर लें, या मिल्क पाउडर से बना हुआ दूध जो है, आर्टिफिशियली बना हुआ दूध जो है, अगर हम उसकी बात कर लें, तो उसके अंदर चूंकि वेजिटेबल फैट्स या ऑयल्स जो है वो ऐड किए जाते हैं, तो उसकी लेयर बड़ी कंटिन्यूसली जो है वो पैच बने होंगे, यानी उसमें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मौजूद नहीं होंगे। और अगर आपको पैचेज और ग्लोब्यूल्स दोनों नजर आ रहे हैं, तो समझ लें कि नेचुरल दूध के अंदर पाउडर को मिक्स करके, पानी को मिक्स करके वेजिटेबल ऑयल मिक्स किया गया है, और उससे उसकी फैट परसेंटेज को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। ये है तीन फिजिकल वो बातें पैरामीटर्स के हवाले से जो हर बंदे को, यानी जाहिर है कि हर हर घर में दूध इस्तेमाल होता है, हर शख्स को पता होना चाहिए कि दूध जेन्युइन है, ओरिजिनल है कि नहीं है, वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, उसमें किसी किस्म की मिलावट तो नहीं है। ये चीजें पता लगाने के लिए बहुत बुनियादी बातें हैं। अब आते हैं जो केमिकल एनालिसिस की बात करते हैं, जिसके अंदर उसका जो सबसे बेसिक पैरामीटर हैं, जो गाढ़ापन हमने फिजिकल पैरामीटर में देखा था, उसमें सबसे पहली बात है वो डेंसिटी है। ये केमिकल उसके पैरामीटर्स में आ जाएगा, डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो भी ये बताती है, किसी भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मिल्क है उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वाटर है, और वाटर की जो परसेंटेज है वो 87%, 85%, 85 to 89% होती है, डिपेंडिंग ऑन कि भी ये दूध किस नस्ल किस स्पीशीज से ताल्लुक रखता है। मिसाल के तौर पे अगर ये गाय का दूध है, तो उसमें 89% तक उसका जो है वो वाटर कॉन्टेंट होगा, वाटर परसेंटेज होगी। अगर ये बफलो का है, 87-85% तक इसमें पानी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पाया जाएगा, क्योंकि बफलो के मिल्क में जो जो टोटल सॉलिड्स हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कैटल, जो कि मैं पहले आपके साथ आपको मेंशन कर चुका हूँ। ये है बुनियादी बात। अब डेंसिटी को चेक करने के लिए, अगर हमारे जो सैंपल्स, अगर हमें कोई दूध का कहते हैं जी चेक करना है, तो उसको किस चीज से चेक करना है, उसका सबसे पहली, उसके लिए दो चीजें चाहिए, रिक्वायर्ड है हमें, एक है लैक्टोमीटर और दूसरा हमें चाहिए थर्मामीटर। जैसे दूध का सैंपल आए, फौरन उसके अंदर उसका टेम्परेचर चेक करके उसके अंदर लैक्टोमीटर रखना है। लैक्टोमीटर के नीचे एक बल्ब सा लगा हुआ होता है, वो बल्ब जो है वो दूध के अंदर डूब जाएगा और फिर ऊपर रीडिंग देगा। अब आजकल जो लैक्टोमीटर रीडिंग, LR जिसको हम कहते हैं, वो जो दूध वाले हैं यानी दूध बेचने वाली जो शॉप्स पे, वो आमतौर पे 26 से 27 28 की लैक्टोमीटर रीडिंग को वो कंसिडर करते हैं कि ये जनाब बिल्कुल दूध ठीक है। डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, वो दूध का टेम्परेचर चेक नहीं करते, और टेम्परेचर के साथ जब हम उसका कोरिलेशन लेते हैं लैक्टोमीटर रीडिंग का, तो उस रीडिंग को हम करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग कहते हैं, CLR कहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अहम पैरामीटर है जिसको दूध की दुकानों वाले जो हैं वो मिस कर जाते हैं। तो ये जो उनकी लैक्टोमीटर रीडिंग होती है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर होती है, और मैं खुद भी चूंकि हम लोग इन चीजों को बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब इस रीडिंग वाला, लैक्टोमीटर रीडिंग वाला दूध आप घर पे लाते हैं, तो उसके ऊपर बलाई इतनी नहीं आती, यानी जाहिर है कि फैट परसेंटेज एक पार्ट है, टोटल सॉलिड्स का हिस्सा है। अच्छा, अब जो टोटल सॉलिड है, टोटल सॉलिड के अंदर, मैं दोबारा डेंसिटी से होके हम आगे चलते हैं कि टोटल सॉलिड क्या है। टोटल सॉलिड के अंदर पानी के अलावा दूध के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनको हम टोटल सॉलिड्स कहते हैं। टोटल सॉलिड्स के अंदर उसकी फैट भी आती है, उसके अंदर जो है वो प्रोटीन परसेंटेज भी, उसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद है, उसके अंदर लैक्टोज भी मौजूद है। तो ये कुछ बेसिक तीन चार कंपोनेंट हैं जो उसके अंदर मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो टोटल सॉलिड है, अगर टोटल सॉलिड में से फैट परसेंटेज हम माइनस कर दें, यानी फैट परसेंटेज को निकाल दें, तो उसको हम कहते हैं SNF, सॉलिड नॉट फैट, सॉलिड्स नॉट फैट, सॉलिड नॉट फैट। तो इसके अंदर जितने भी फैट परसेंटेज को टोटल सॉलिड में से दूध के माइनस कर दें, तो
तो उसके को हम सॉलिड्स नॉट फैट कहते हैं, SNF भी बोला जाता है। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें थी। अब जनाब मैं आपको एक और बात आपके साथ शेयर करूंगा कि जहां तक बात है फैट परसेंटेज की, तो फैट परसेंटेज को डिटरमिन करने के लिए हम आमतौर पे गर्बर्स मेथड यूज करते हैं, गर्बर्स मेथड। और गर्बर्स मेथड में हमें सैंपल चाहिए होता है, मिल्क सैंपल, कंसनट्रेटेड HCl चाहिए होता है और आइसोअमाइल अल्कोहल चाहिए होता है। और उसके लिए गर्बर सेंट्रीफ्यूज की एक मशीन है स्पेशल जो डिजाइन की गई है, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जब भी कुछ सैंपल आते हैं तो हम लोग उसको यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बल्कि करते हैं। तो इसके लिए ये है कि अगर हमें मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको आउटसोर्स कर दें और इसको पब्लिक के लिए को बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हम इसको आउटसोर्स कर दें, ताकि लोग अगर कोई मिल्क सैंपल लेके आए, उसका एनालिसिस करवाना चाहें, तो हम एटलीस्ट एटलीस्ट उनको उसकी जो डेंसिटी है मिल्क की, जो लैक्टोमीटर रीडिंग के जरिए से और टेम्परेचर के जरिए से करते हैं, फिर उसकी जो फैट परसेंटेज है उसकी बात कर लें, वो भी इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। और एक साथ प्रोटीन परसेंटेज का जो फार्मूला है, मतलब ये जो तीन कंपोनेंट है मेन, ये लाजमी हम करेंगे। चौथा वैसे एसिडिटी है, एसिडिटी को भी हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास pH मीटर्स हैं, हम उनके जरिए से भी ये चीज़ डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये तीन चार पैरामीटर्स हैं जो बड़े ज़रूरी हैं। एक बात जहन में रखनी और है कि अगर दूध का जायका चेक करके फिजिकल पैरामीटर में आप चेक करें तो वो खट्टा नहीं होना चाहिए। दूध अगर खट्टा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो फटने के करीब है या ज़्यादा देर का पड़ा हुआ है, ये उसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। तो एसिडिटी उसकी जो है वो तेजाबियत उसके अंदर बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये होगा कि कुछ ही देर के बाद या थोड़ी देर के बाद जिसके इसके अंदर जो भी जो स्पेशली जो प्रोटीन्स हैं वो कोआगुलेट कर जाएंगी, उसकी फुटकियाँ बन जाएंगी और दूध जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये सबसे बड़ा। और आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जब दूध खराब होने की का पता होता है कि ये दूध खराब ना हो जाए, ज़्यादा देर का पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर मीठा सोडा डालते हैं। तो चूंकि वो कर ये रहे होते हैं कि जो एसिड होता है और जो अल्कली होती है उनको आपस में जब रिएक्शन होता है तो साल्ट बन जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि वो दूध खराब होने से बच जाता है। लेकिन अगर दूध खराब नहीं भी होता तो भी इसके अंदर से एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये हमारे कुछ बेसिक सी आज की बातें हैं। प्रोटीन परसेंटेज भी एक पैरामीटर है जिसको हम डिटरमिन करते हैं, लैक्टोज की परसेंटेज को भी डिटरमिन किया जाता है, एसिडिटी है, फिर उसके अंदर जो ऐश है उसके अंदर जो खाक है उसको हम भी वो भी डिटरमिन करते हैं, बट वी डोंट हैव दिस फैसिलिटी हियर एट दिस कैंपस। बट इनके अलावा, सिवाय ऐश के अलावा, बाकी हम ऐश और लैक्टोज के अलावा हम फैट की परसेंटेज, उसकी जो डेंसिटी है और उसके अंदर जो एसिडिटी है और जो प्रोटीन परसेंटेज है, ये चार चीज़ें हम पैरामीटर्स डिटरमिन कर लेते हैं, कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम इसको कोशिश करके इसको कमर्शलाइज भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि लोग अगर कोई सैंपल लेके आते हैं उसको चेक करवाने के लिए तो वो हम इनको चेक करके और ये एनालिसिस करके दे सकें। इसके लिए ये तो हैं वो मेथड जो हम लैब में यूज़ करते हैं, मतलब केमिकल मेथड है, रॉ मेथड है, क्रूड मेथड। इसके अलावा हमारे पास लेक्टोस्कोप भी है, एक मशीन होती है जिसके अंदर सिर्फ आपने जो है जो चंद माइक्रो लीटर ऑफ मिल्क, 10 to 20 to 30 माइक्रो लीटर वो सक कर लेता है अपने अंदर, और उसके अंदर जो है वो लेजर उसकी जो डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर वो उनका एनालिसिस कर लेता है दूध का, और तकरीबन सारे के सारे पैरामीटर्स की एक रीडिंग जो है वो प्रिंट आउट करके हमें दे देता है। इस मशीन को हम लेक्टोस्कोप कहते हैं, और ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि जो विद इन सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 15 to 30 सेकेंड जो है वो हमें दूध का मुकम्मल जो एनालिसिस है वो करके हमें वो मशीन जो है वो दे देती है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ यानी पैरामीटर्स हैं दूध के जिनको हम करेंगे। बाकी जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे कैंपस तो वो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। अब एक सवाल मुझे पिछले दिनों पूछा गया कि जी फूड अथॉरिटी वाले जो हैं वो सही दूध को रिजेक्ट कर देते हैं और जो सिंथेटिक दूध होता है उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी वो कहते हैं ये ठीक है। देखें, दूध की जांच के हवाले से सबसे बुनियादी बात जो है वो ये है कि आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप उसको देख के भी फाइनल करें और फिर बाद में उसके अंदर जो अडल्ट्रेशन के जो टेस्ट हैं, यानी जो मिलावट के टेस्ट हैं, क्या ये दूध मिलावट से पाक है कि नहीं है, तो आपने ये टेस्ट भी आपको
करने चाहिए। लेकिन अब फूड डिपार्टमेंट वालों का कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि जो पैरामीटर वो स्टडी करते हैं उसमें उसकी जो लैक्टोमीटर रीडिंग है, उसमें उसकी जो फैट परसेंटेज है, और हद वो प्रोटीन परसेंटेज पे जाएंगे। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि जिसकी बेस पे आप दूध की ओरिजिनलिटी जो है कि ये दूध ठीक है या नहीं है, उसको आप नहीं कह सकते कि जनाब ये आर्टिफिशियली बना है या नेचुरल बना है, क्योंकि पैरामीटर सेट किए जाते हैं बकायदा। जाहिर है कि जो ये कारोबार करते हैं वो इन पैरामीटर्स को सेट करके चीजों को उस हिसाब से ऐड करते हैं, उनकी बकायदा एक फार्मूलेशन होती है, कंपोजिशन होती है जिस तरीके से वो दूध को बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल दूध है, जब भी सीवियर गर्मी होगी यानी शदीद गर्मी का मौसम होगा या शदीद सर्दी का मौसम होगा, तो जानवर का जो स्पेशली जो शदीद गर्मियों का दिन होते हैं तो उसमें जानवर दूध पतला देता है, पानी उसको प्यास ज्यादा लगती है तो पतला दूध होगा। अब जब आप सिंथेटिक दूध उसके मुकाबले में लेके आएंगे, अगर सिर्फ इन पैरामीटर्स के बुनियाद पे आपने एनालिसिस किया है या उसकी जांच की है दूध की सैंपल्स की, तो कभी भी आप दूध को पकड़ नहीं सकते, और वो सही है कि वो इसी तरह ही होता है। लेकिन अब उसके लिए जो किट है, अडल्ट्रेशन मिल्क की अडल्ट्रेशन किट मिलती है, जिसके अंदर उसकी हर चीज को मतलब डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि दूध के अंदर चीनी भी ऐड की जाती है, उसके अंदर जनाब जो वेजिटेबल ऑयल है वो भी ऐड किया जाता है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड करके पाउडर में जो है वो ऐड करके उसकी फिर डेंसिटी को सेट किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी फैट परसेंटेज को चेक किया जाता है। प्रोटीन परसेंटेज तो वैसे वो नहीं चेक करते, लेकिन आई थिंक के अच्छा अब होता ये कि जब ये जो सिंथेटिक दूध है जब ये बनाया जाता है, तो इस दूध के को जब बनाया जाता है तो इसमें जो मिलावट की जाती है वो नेचुरल कॉन्टेंट इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, यानी दूध के अंदर जो नेचुरल जो स्वीटनर है वो लैक्टोज है, लेकिन लोग जो मिक्स करते हैं वो सुक्रोज होती है। अब सुक्रोज एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम केमिकल मेथड से, बायोकेमिकल मेथड से, टेस्ट से, हम सेल्विनॉक्स मेथड है उसको हम कहते हैं, वो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे भी अब जैसे फैट्स हैं, जो एनिमल फैट है उसकी वो कंपोजिशन डिफरेंट है, यानी वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू जो के वेजिटेबल फैट्स हैं या ऑयल्स हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को का जो पता लगा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि फूड डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो उसके अंदर अडल्ट्रेशन को चेक नहीं करते, अडल्ट्रेंट्स को नहीं चेक करते, जिसकी वजह से वो मिल्क पास हो जाता है। तो ये आज के हवाले से सारा जो है वो हमारा क्या कहते हैं, ये सारी डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। बाकी मजीद जो डिटेल्स हैं, जैसे ही अब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह वो हम आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।